इंदौर में नगर निगम, जिला प्रशासन सहित जन प्रतिनिधियों के सहयोग से खाली बड़े बड़े मैदानों का उपयोग करते हुए अब इन मैदानों पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में चिमनबाग मैदान में इंदौर जिला आपदा प्रभारी तुलसी सिलावट ने सेंटर का शुभारंभ किया। इंदौर में एक बार फिर से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करने के उद्देश्य से ड्राइव इन की तर्ज पर वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। विधानसभा 3 के चिमनबाग स्थित खाली पड़े मैदान का उपयोग करते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से भव्य स्तर का वैक्सीन सेंटर खोला गया। यहां पर पहले गेट से वाहनों की एंट्री व दूसरे गेट से बाहर निकलने का स्थान रखा गया है, ताकि सेंटर पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके। इस मौके पर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जिसे देखते हुए कई लोग अपने वाहनों में ही वैक्सीन लगवाकर जा सकेंगे, इसलिए खाली पड़े मैदानों का उपयोग जनहित कार्यों के लिए किया जा रहा है। यही एकमात्र हथियार है कोरोना के खिलाफ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगेगी उतना अच्छा रहेगा। इसी सोच के साथ हम लोगों ने क्षेत्र में हर वार्ड में कम से कम 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर हो, 18 प्लस के भी, 45 प्लस के भी, और उनकी प्रॉपर लोगों को जानकारी हो, इसका प्रयास तो हम लोग कर ही रहते हैं। साथ ही साथ आज हमने ड्राइव थ्रू, क्योंकि लोगों के पास समय की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, बारिश का भी सीज़न है, तो लोग अपने वाहन से ही आ सकते हैं, 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से। वाहन पे बैठे बैठे ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा और वाहन में बैठे बैठे ही उन्हें वैक्सीन लगेगी। ऐसी व्यवस्था इंदौर के ऐतिहासिक चिमनबाग मैदान में हम लोगों ने जमाई है। कहने को तो ये विधानसभा 3 में है, मगर हम पूरे इंदौर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। इस वैक्सीनेशन के शुभारंभ के अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय और भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव रणधीवे भी मौजूद रहे। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।